रियासत जां प्रदेश तरक्की तां गै करदा है कि उत्थों दा जिहड़ा उद्योग धंधा है वह फला फुल है और आर्थिक तौर पर जिहड़ा उद्योग धंधा वह मजबूत होवे। तो जिस वेले सरकार आपों गै इन्हें उद्योग धंधे की बंद करने के कगार उपर ले आवे तो फिर उद्योगपति जिहड़े काम धंधा करने वाले न जिन्हें पैसे लाए होंदे न वह कुत्थे जाण। गल करने आ सीधी पदरी आसे कि लुक जिहड़ियां तो सड़कें पर पौंदी है ये उद कारखाने च जिहड़े बनाए दे न जिहड़े प्लांट लाए दे न उंदे च ये बनती है तो फिर तुंदियां जिहड़ियां सड़कां न शैल शुश ननियां नरोईयां जिहड़ियां नवीयां न वह बनदियां न। पर देखने च आवा करदा कि जम्मू खिते दे जिन्ने भी उद्योग धंधे इस कन्नै जुड़े दे लोक न वह भुखमरी की कगार उपर आई पुज्जे दे न। साढ़े कन्नै इस उद्योग धंधे दे जिहड़ी एसोसीएशन है उसके अध्यक्ष न चंद्र गुप्ता होर इंदे कन्नै गल्लबात करने आ कि केह परेशानियां जिहड़ियां न इनेंगी आवा करदियां। तो गुप्ता साहब तुंदा सीधी लकीर च स्वागत है, केह परेशानी पई है भाई तुसेंगी भी सड़कै पर उतरने दे कगार उपर आना पिया? सर प्रॉब्लम यह है कि असी लोग हाँ जिहड़े जम्मू दे लोग ये सारे जम्मू दे ही लोग ने जिहड़े अगे पिछे खड़े न। जम्मू प्रोविंस च कोई 25 लुक प्लांट न साढ़े और हर आदमी इस स्टेट की डिवेलपमेंट आस्ते इंफ्रास्ट्रक्चर आस्ते ही काम करता है जी। जिन्हें भी सड़कां तुसीं जम्मू प्रोविंस दिखते हो जिन्हें अच्छा भी तुसीं आखते हो वह सारी इन्हां लोकां दियां बनाई दियां बाहरों कोई नहीं आया बनाने वास्ते। पर मुश्किल अज यह होआ दी है कि साड़ी दिक्कतें गी कोई समझा दा नहीं है। असी यूटी गवर्नमेंट करने तो पहले साढ़े असा काम किए मिनिस्टर के कहने उपर चीफ इंजीनियर के कहने उपर इस गवर्नमेंट ने वो साड़ी पेमेंटा रोकी उड़ियाँ बिच अज भी देख लो 100 करोड़ रुपये को ज़्यादा न। अच्छा। और उसकी 5 या 7 साल हो गए पेमेंटें फसे दे और ये सारे लोग बैंक को कर्जा लिए काम करते हैं ओवरड्राफ्टिंग बैंक को दी है तो अज इन्ना इंट्रस्ट पे कर चुके दिन कि उस पेमेंट की कोई बड़ी वैल्यू भी नहीं रही गई। बट उसके बावजूद भी ये साड़ी गवर्नमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट सुते दा जागा दा नहीं है क्योंकि साढ़े कन्नै कोई नहीं असें लगा दा कोई दुख दर्द है कि नहीं है उनेंगी। दूसरा ये है कि PDP गवर्नमेंट ने अपने लोगों की कश्मीर च उबलाइज करने से एक आर्डर कढ़िया कि ए क्लास ठेकेदार जिहड़े नालियां बनाते हैं या बिल्डिंगा बनाते हैं जिन्हों को लुक प्लान नहीं है जिन्हों कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जिन्हों को इक्विपमेंट नहीं है उन्हेंगी भी लुक प्लान के काम दो। अच्छा। वो ऑर्डर अज तक साढ़े सिर पर चढ़ा दा है वो लगातार चढ़ा दा है। इस गवर्नमेंट ने रिप्रजेंट किया बार बार कि सर ये काम स्पैशलाइज काम है डॉक्टर का काम डॉक्टर क्या करेगा तुसी सानू कोई इतराज नहीं इस गल चो कि तुसी बी क्लास को काम कराओ पर उदे कोल कम से कम जिहड़ा डिजायर्ड इक्विपमेंट है ये सड़क जिहड़ियां खराब होआ दियां अज जगह जगह पैर चुड़ा दे न तवी ब्रिज पर दिखी लाओ गुजर नगर ब्रिज पर देखो गुजर दी अप्रोचा देखो ये सारे काम असीं नहीं किए बदनामी अस लैदे आ। अच्छा। ए क्लास ठेकेदार ने काम किए जिन्हां कोल कोई इक्विपमेंट ना मेरे को कुसे ने आया तुहाडे जैसे बंदे ने आख्या यार एक गड्डी लुक दे दित्ती बिछाई चलाया तो अज उड़ी गई हो सारी। बिल्कुल। अगर तुसी उन्हें लोगों की क्वालीफाई कर दे पहले उन्होंने कपैसिटी बिल्टअप करो उन्हें सिखाओ काम उन्हें आखो एक इक्विपमेंट लियाओ वो करी सकते साढ़े कोई ऐसा जादू नहीं अस ही कर सकते वो भी कर सकते बट वो संदर टूल मशीनरी होनी चाहिए है। ये बड़ी कोशिश की असा हनी गौरमेंट इस गल पर कोई आदमी इसी सानू सपोर्ट नहीं करा दा यदा मतलब यह है कि गौरमेंट बेंट पाना है कि सानू त्रोड़ने उपर पुराने पैसे नहीं दिते ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा पिछले साल जिन्ने टेंडर होए 200 करोड़ के टेंडर होए मैनू नहीं लगता 50 करोड़ के भी काम हो सड़क बनिया नहीं क्योंकि रेट बिटूमन का 37 रुपये तो 70-72 रुपये चला गया हर चीज़ महंगी हो गई। बिटूमन प्रोडक्ट्स जेडे ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट LDO है मल्शन है डीजल है सब महंगा होया और सब तो महंगी हुई बजरी जोड़ा रेट 8 फुट साढ़े टेंडर लगे है वो चलेगी 30 रुपये के उपर। बिल्कुल। सो ट्रांसपोर्ट महंगी हुई ट्रक महंगे हुए लेबर वेजिस बड़े महंगे हुए तो वो सानू उस चीज़ ने कोई वह बेनीफिट नहीं दिता नुकसान बहुत ज़्यादा हुए जिन्हें भी लोग अज इकट्ठे हुए थे ये ठेकेदार इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल जहा काम होता अज इकट्ठे इसलिए होए कि इसलिए होए कि अज सारे लोग अपना अद्धा अद्धा कैपिटल उड़ाई बैठे दिन जिस बंदे ने पिछले साल 3 करोड़ का काम किया 1.5 ही रही। अच्छा।
हूँ इन्ना कैपिटल लोन लेने से हूँ इन्ना दी कुसे दी भी ऐसी कपैसिटी नहीं है कि अगले भी काम करन। तो अज ना इो भी आख्या कि एक मीटिंग कंडक्ट करो, मैं बुलाया नहीं सारे की, नहीं गलबात सुनी है तुहाड़े थ्रू। असं गौरमेंट की भी ये चीज़ कन्वे करना चाहते हैं, अस गौरमेंट के सिपाही हाँ, असं इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपर हाँ, साढ़ा किते का ही काम शहर सड़कें पर लभद है। बाकी किसी ने के लाया है, हार्टीकल्चर ने किन्ने फुल लाए हैं, भिड्डा कि चार कुछ ही नहीं लभदा। साढ़ा काम पिंड च दसो, एम एल ए भी साड़ी गल है, कारपोरेटर भी जाता किक स्टार्ट, तुम भी फोटो खींच दो बिल्कुल, और साढ़े काम की किक स्टार्ट होता, और कोई काम किक स्टार्ट नहीं होता, कितने कटने वाले बड़े बड़े होंगे। अच्छा तुम दसो, तुम अपनी ये मंग ली है कोई जी हायर अथॉरिटी है वो उनके नोटिस नहीं आती भाई तुम्हारा इन्ना पैसा जरा रोकिए रखे था? सर ये पिछले दो साल तो अस कोशिश करा दे, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी मिले, उन्हें आख्या देगे थोड़े पैसे, इन्हेंगी भी दो बारी मिले, तुम्हें पता ही है साढ़े वास्ते एवरेज आदमी वास्ते मिलना बड़ा मुश्किल है। प्रिंसिपल सैकटरी साहब की भी रिक्वेस्ट की है, वो आखते हैं कि मैं कोशिश करा दा, पर अज तक नहीं होया। पुछता उन्होंने गल भी नहीं मनवा दी हो कुछ, हर बंद बस की गल थोड़ी होती है, ये सारा कोई फाइनैंस कंट्रोल्ड है, फाइनैंस हर बंद की गर्दन कटने पर लगेगा कट्टी जाए। तो असं अज ये फैसला कर लिया कि असी कपैसिटी नहीं हाँ काम करने, अस गवर्नर साहब को भी एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रिंसिपल सैकटरी साहब को भी और चीफ मिनिस्टर साहब को माफ़ी मंगने चाहते हैं कि मारे अस नहीं हूँ कर सकते, तुसी अपना अगला डिवेलपमेंट प्रोग्राम अपनी मर्जी कन्नै एक क्लास ठेकेदार नाल कराओ, पंजाब तो कंपनियां लियाओ, अगे भी बाहरों आवा दियां और लियाओ, दस भी और ले जाओ, कराओ काम उन्हां कोलों, असी नहीं कर सकते। अज फैसला यह होया कि अज के बाद कोई टेंडर बिडिंग नहीं होगी जिधर गवर्नमेंट साढ़े इशू अगर जैनून है, मैं नहीं आता गलत इशू, अगर मैं कोई जैनुअनली गल करा दा, अगर मेरी गल गवर्नमेंट एड्रैस करेगी तो मैं करगा। पैसे ये नहीं दिंदे, काम कराने के बाद भी नहीं देंगे, नवे भी नहीं देंगे, पुराने भी नहीं देंगे, तो फिर कुत्थे जाना सा। तो गुप्ता साहब आख्या गया हा भाई ड्यूटी बनने कन्नै जिहड़ा साडा उद्योगपति है जिन्हें भाई अपने काम धंधे रुजगार लाए दा उस उनेंगी मता फायदा होग, तो क्या तुसेंगी लगदा नहीं है कि फायदे जगह नुकसान होदा? अज तक तो सर लभा तो नहीं है कुसै पास, अज तक तो सानू नहीं लभा कुदरे। मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी काम करना, करोना लगे दा हा, किड्डी वड्डी गवर्नमेंट है, करोना लगे दा होटल सील है बंद है, डंडा दे दिता इन्होंने कि 4-4 लाख रुपया बार की फीस, होटल बंद है, कोई आंदा कि नहीं बार च, बंदा अलाउड कि नहीं है, तो 4-4 लाख रुपया फीस ले ली मेरे को, ले सारे होटलों को ले ली, वो के मतलब होया? ये हैंड होल्डिंग है जब सानू तभी धक्का मारना है, ये तभी धक्का मारने वाली गल है। सरकार तो भगवान के बाद सरकार ही होंगी है सर, अगर भगवान ही सानू चाहेगा तुम बस सड़क पर मर जाओ तो असं तो भगवान दिखा नहीं, अभी सरकार के दिखी, अगर सरकार ये चाहती तुम मरी जाओ तो मरी, कोई डर नहीं, मरी जाएगी इतने मरी जाएगी, क्या फर्क पाँगा नहीं। गुप्ता साहब तुम्हें लगता है नहीं कि जियाँ इट भट्ठे वाले जेडे करला करते हैं और भुखमरी के कगार उपर आई ने कि राजस्थान का इट आवा दी, पंजाब च आवा दी, हरियाणा च आवा दी, तो क्या तुम्हें लगता नहीं है कि तुंदे वाली लुक भी कुछ उधर नहीं आने आवे? सर साड़ी लुक एक है थोड़ा जहाँ, साड़ी लुक जी है ना 150 डिग्री पानी होंगी है, तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही पुजनी चाहिए। पंजाब इन्नी हाले सुपर एक्सप्रैस हाईवे नहीं बनी है कि पठानकोट, और 5-7 साल इन्हों साढ़े उपर ही डिपेंड करना पड़ना, फिर पंजाब चो ले आन सू क्या, राजस्थान चु 22 ईयर ले आन, अस थोड़ा सरकार ही थोड़ा रुक सकते हैं, पर आखने अगर साढ़े को काम करा तो साड़ी माड़ी मोटी फरियादगी जरूर सुनो, इन्नी ही साड़ी बिनती है। बाकी जी भट्ठे की इटा न उसी कुसल एनालिसिस नहीं किया, जी पंजाब इट आती है कैमिकल यूज करते हैं, लाइट वेट ब्रिक और उन्हें काफ़ी जद्दोजहद भी करा पर गल नहीं सुनी, उस बिट इट का वेट कर लो तुम भट्ठे वाली, जम्मू के भट्ठे इट का वेट करो, वह वेट करो, वेट च बहुत फर्क है, क्यों है? मिट्टी की डेंसिटी घट है, टेक्निकल रीजन है वह, वो पार्टीशन वाल असें डिजाइन नहीं होती है, साढ़े इतने पार्टीशन वाल नहीं बनती, साढ़े इतने तुम्हें मकान बनाओगे म्युनसिपैलिटी RCC कॉलम नहीं लाने देंगी, अभी तुम कमर्शियल बना दो जी, मते छत पागे हो, असी लोड बेयरिंग पर काम करने हैं। चलो ये भट्ठे वाले गल्लां भट्ठे वाले करनगे, साढ़ा नहीं है, साढ़ा तो इसलिए जो मुद्दा है वो सिर्फ रोड के उपर है, और साढ़े को इसलिए घट घट भी सारे को 30,000 मुलाजम है। अच्छा वो सारे सारे बेकार हो जाएंगे, कल असं क्ढा लियागे कुतों, सारे बाहरों आते हैं, अगर धंधा करने जो पैसा बैंक चल लिया ब्याज भी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो, उन्होंने तुम्हें भी पता ही है बैंक वाले तो लिहाज नहीं करते कुछ, उन्हें तो इंस्टॉलमेंट चाहिए है बिल्कुल, सो ना पैसा दया दो ना काम कराइए भी पूरा नहीं दया दे, पुराने देंदे नहीं तुम्हें, नवे तो रेट नहीं ठीक करते, तो फिर भाई साहब घाटे तो कोई काम करना चाहता नहीं ना। मैं अपनी बरादरी की समझागा, मैं समझाई नहीं सकता नहीं, अगर सरकार तुम्हारी गल नहीं मनती तो फिर अगली जोड़ा कदम तुम्हारा के हो कदम अज ले बैठे हैं, अस कोई टेंडर नहीं पाना, कोई काम नहीं करना, सरकार को बड़े
तरीके आख्या बाई ईयर राजस्थान से लुक आ जाएगी बाई जहाज क्या लुक पाई लो सूँ फर्क पता नहीं करेंगे ना सर छे महीने काम अभी साल ही करा जब तक सरकार साढ़े बारे सोच रहे सोचेगी उसे काम करा अज नहीं कर सकते अज हाथ जोड़िए माफ़ी मांगी लगे और क्यों धन्यवाद जी। हर सरकार की इे कोशिश होंगी है कि जोड़ा उनके प्रदेश का जोड़ा उद्योग धंधा जोड़ा है काम रुजगार जोड़ा लोगों का है वो दिन ब दिन तरक्की वाली बखी जा पर जिस वेले सरकार आपू इस बखी अखी मीटी लै तो फिर ये जोड़ा काम रुजगार का धंधा चलाने वाले लोग ने जिन्हें बैंकों को कर्जे लिए पैसे लाए देन उनकी के दशा तो दिशा होग ये आने वाला समय जोड़ा है वो शैल चली जाता है।